इनकी ये बात है कि जब मैं इन पर रिसर्च कर रही थी ना मुझे इतना मज़ा आ रहा था एंड मैं सोची थी यार ये इतने मज़े की गप लगा रही है जब ये हमारे पास आएंगी तो इनके साथ गपशप में मज़ा आएगा और फिर इतना कुछ उन्होंने किया हुआ था मतलब यूजुअली होता है लोग वी होते हैं या लोग मॉडल होते हैं या सिंगर होते हैं और वहाँ से एक्टिंग में जाते हैं आई थिंक मैं सिर्फ एक इंसान को जानती हूँ जो एज एन अनाउंसर या न्यूज़ कास्टर उन्होंने शुरू किया और फिर वो एक्टिंग की तरफ आ गई मैं बात कर रही हूँ सबा फैसल की और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं द लवली द एलिगेंट द वेल ड्रेस्ड सबा फैसल थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया <laughs> कैसी हैं आप <laughs> मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप मैं बिल्कुल सच सच बोल रही हूँ मुझे आपके इंटरव्यूज जितना मैं रिसर्च कही थी तो मुझे बहुत ढेर सारे मिले नहीं mm -hmm. लेकिन जो भी थे हर में आपने कोई ना कोई बड़े मजे की कहानी सुनाई हुई थी और मैंने कहा यार अल्लाह करे मेरे मेरे हिस्से में भी कुछ अच्छे किस्से आ जाए हाँ और कुछ नए नए आ जाए कुछ नए किस्से अच्छा, आ जाए इंटरव्यू में कैसे राबिया कुछ नहीं आ सकता है जब कुछ सच्चाई है ना वो एक ही सच्चाई एक ही मरतबा हुई है और वो हर दफा मैं बताऊंगी आप हाँ, पूछेंगी मैं बताऊंगी ये अब Uh, मुझे किसी ने कहा था कि सवाल जवाब देने वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है सवाल करने वाला <laughs> अब आप इंटेलिजेंट हैं तो फिर आप मुझसे ऐसे सवाल करेंगे जो किसी और ने नहीं <laughs> किए <की> होंगे <laughs> मतलब आप <laughs> अभी से देख ले, आप लोग देख लें कि मूड सेट हो गया इंटरव्यू का <laughs> उन्होंने वहीं से छक्का मारा है और मेरे ऊपर मार दिया तुम कैच कर सकती हो तो कर लो <laughs> मैंने तो आपने एज़ एन अनाउंसर 1980 में अपना सफ़र स्टार्ट किया 81 81 में सो so, ये अनाउंसर क्या जॉब होती थी जरा आप मुझे बताएंगे मैं सोच रही थी कि क्या होता था अच्छा रहा मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या जॉब है अच्छा। मैं तो ऐसे ही विजिट करने गई थी उन दिनों पीटीवी विजिट करना भी आपके लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती थी तो हमारे एक मेरी जानने वाली थी मेरे मैंने स्कूल में टीचिंग भी की कोई चार पाँच महीने तो उधर एक बच्ची की मदर थी वो स्टेज थिएटर की आर्टिस्ट थी स्टेज उन दिनों तो स्टेज ही होता था थिएटर होता था उनके आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा कि अगर आपको कभी थिएटर देखना हो तो मैं आपको ले जाऊंगी मैंने कहा मुझे वहाँ का जाने का शौक़ नहीं मुझे पीटीवी देखने का शौक है टेलीविजन स्टेशन तो उन्होंने कहा मैं तो वहीं जा रही हूँ आपने चलना है तो चलें मैंने कहा हाँ डैडी मुझे लेने आए थे वेस्पा पर अच्छा मैंने कहा डैडी मुझे पीटीवी जाने का मौका मिल रहा है मैं चलूँगा हाँ। किसके साथ जा रही हूँ मैंने कहा ये अच्छा जाओ बेटा मैंने कहा अम्मा को आप संभाल लेंगे हाँ हाँ मैं कह दूंगा तुम जाओ जाओ हाँ। तो मैं पी चली गई और उधर मैं सीधी गई प्रोग्राम मैनेजर के कमरे में जो कि रफ़ीक मदवड़ाए चल्ला बख्शे अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे मेरी आज मैं जिस स्टेज पर हूँ हाँ। उसमें बहुत बड़ा हाथ रफ़ीक अहमद बड़ाइज का है और उसके बाद रफ़ीक गुराया जो हमारे एस एन ई थे okay. यानी सीनियर न्यूज़ एडिटर थे हमारे तो रफ़ीक साहब मुझे कहने लगे कि और मैं बड़ी लाऊबाली सी थी और मैं स्कूल में कॉलेज में मैंने आ, मैं डिबेटर रह चुकी थी और बोलने का बहुत शौक़ था मुझे तो उन्होंने मुझसे कहा कि टीवी में काम करने का शौक़ है मैंने कहा मैंने बस ऐसे ही कह दिया मैंने कहा जी मुझे न्यूज पढ़ने का शौक है अच्छा न्यूज तो नहीं आता दिमाग में कुछ नहीं था कुछ नहीं था बस ऐसे ही। हाँ ऐसे ही कह ये भी नहीं पता था न्यूज पढ़ी कैसी पढ़ी कुछ कैसे <laughs> पढ़नी है क्या चीज़ है वो क्या तो उन्होंने कहा कि अभी तो अनाउंसर के ऑडिशन हो रहे हैं अगर वो आप देना चाहती हैं तो देते हैं। मैंने कहा अच्छा कहते हैं कुछ नहीं आप मेकअप रूम में जाएं वो आपको ब्रीफ़ कर देंगे मैंने कहा ठीक है मैं गई उधर लड़कियां घूम रही थी अनाउंसमेंट याद कर रही थी मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल काम है चले मैं कौन सा सीरियस हूँ खैर मैंने ऑडिशन दिया वो पच्चीस लड़कियाँ तो रिजेक्ट हो गई मैं सिलेक्ट हो गई तो इस तरह से बस फिर वो जब मैं सिलेक्ट हो गई तो दुबली पतली सी थी पतला सा मुँह था ऊपर से बैको में इतनी तो फर्स्ट टाइम जब मैं अनाउंसमेंट मैंने की तो कमर आफ्ताब साहब थे आ, हमारे जीएम लाहौर सेंटर के उन्होंने देखा स्क्रीन पर उनका ये ये पता नहीं ये मुझे नज़र ना आए अब इतनी अजीब oh सी goodness. दुबली पतली दांती दांत ही दांत नज़र आ रही मुझे नज़र ना आए अब रफ़ीक साहब जो थे वो देख चुके थे कि मेरा पैशन क्या है इसको लेकर तो उन्होंने कहा कि वो सब इधर आओ मैं तुम्हें वी में दिखाऊँ वो मुझे चा. वी में ले गए उन्होंने रिवाइंड करके मेरी अनाउंसमेंट दिखाई उनका देखा तो मैं दो दांत बहुत लंबे से लग रहे हैं ना तो अभी तुम कुछ टाइम बाद आना तो मे भी फिर मैंने मैं कुछ नहीं बोली मैं चली गई मैं चार दिन बाद फिर मैं अच्छा फ़ोन नहीं होते थे घरों में तब ना तो एक मार्केट होती थी बहुत बड़ी सी ग्राउंड थी उसे मैं क्रॉस करती थी मार्केट जाती थी PCo से उधर से मैंने कॉल करती थी oh <laughs> तो मैंने उन्हें फोन किया मैंने कहा सर मैं आना चाह रही हूँ अभी नई सभा मैंने कहा था दो चार छः महीने बाद मैंने कहा नहीं मैं मुझे आज आने दें मुझे आपसे काम उनका ठीक है आ जाओ मैं गई मैंने कहा कहते क्या हुआ मैंने कहा मैंने, 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 मैंने तो ग्राइंड करवा लिए मुझे लग रहा था आप कुछ बताएंगी मैंने ऐसे बातों से इम्प्रेस कर लिया <laughs> <laughs> अच्छा मैंने कहा, कहा मैं तो वो उन्होंने कहा भाई ये, ये लड़की तो जो है ना ये है। नहीं, सीरियस है सीरियस है हाँ। बस फिर मैंने मेरे ख्याल में एक महीना अनाउंसमेंट की होगी उसके बाद मुझे वो ओएस कैटेगरी मिल गई आउटस्टैंडिंग न्यूज़कास्ट वो अनाउंसर की और बस फिर चल सो चल सफर तब तो से जारी थी प्रोग्राम से पहले से होती थी? ये थी? वाला का मकसद ये होता था कि वो स्पॉन्सर होते थे अब वक्त हुआ चाहता है फ्लॉ ड्रामे का इसके लिए हमारे किया है हमारे लाइव गलती कोई गुंजाइश नहीं होती थी बड़े बड़े भंड भी हुए लेकिन वो बड़े क्यूट लगते थे मज़ा आता था जैसे कोई दें कुछ हुआ बहुत कुछ बहुत कुछ हुआ एक तो बहुत एक बड़ा गंभीर सा मसला हो गया कि इंडियन आ, 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 प्राइम मिनिस्टर आए थे इंदर कुमार गुजराल और उनके लिए एक राउंड अप पाँच छः दिन जो तीन दिन रहे तो इस्लामाबाद गए लाहौर गए कराची गए तो वो एक राउंड अप था जो कि मुझे ख़बरों में सुनाना था और वो बड़ी एक अहम ख़बर थी इस्लामाबाद की सारी टीम हमारी लाहौर आई हुई थी और एक अनाउंसर न्यूज़ कास्टर पर बड़ा वो एक प्रेशर, प्रेशर होता है हाँ, हाँ। कि ये आपने और आपने हाँ और ग्यारह मिनट है और वो आ, साइट मॉनिटर होता था उसमें वो फिल्म चलती थी ओके okay. वो फिल्म चलेगी आपने देख देख कर के अब उस, उनको गुलदस्ते पेश किए गए अब उन्हें इतनी तोपों की सलामी दी गई और तो ये, ये तो पहले से रिटन नहीं होता था नहीं मेरे पास तो लिखा हुआ था साथ साथ सामने देख देख के फिर मैंने पढ़ना था अच्छा फूलों का फिर मैंने ये पढ़ना था oh, ये okay, okay, तो देख 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 इस तरह से अब जब मैंने ग्यारह मिनट का राउंड अप सारा सुना दिया मैंने कहा शुक्र है तो सब शीशे लगे हुए थे तो मुझे लगा हर जितने अफसर बैठे हुए थे ना सबके कानों के साथ फोन लगे हुए थे ओके क्या पता नहीं क्या हुआ है? बाहर आई उन्होंने कहा सबा क्या किया आपने मैंने कहा क्या किया कहते हैं आपने इंदर कुमार गुजराल को क्या बोला है अच्छा। मैंने कहा इंदर कुमार गुजराल उन्होंने कहा आपने कहा अनवर कमाल गुजराल उन्होंने कहा ये तो कोई रॉक एजेंट लगती है जिसने ये मतलब एक... थोड़ा भी नहीं आपने पूरा अच्छा अब इंदर हाँ। कुमार वो इंडियन नाम था शायद उसको देखे लेकिन मेरे मैं कितनी इंटेलिजेंट थी अनवर कमाल गुजराल मैंने बोला फिर ये हुआ कि मुझे सजा दी गई पंद्रह दिन के लिए ले ऑफ कर दिया oh गया दिन मैंने खबरें नहीं पढ़ी, तो इस तरह की चीजें होती जैसे मेरा फोन आ गया आपने कहा अच्छा जरा बंद करके आप उसे बंद कर ले वहां कोई गुंजाइश नहीं होती थी हाँ। तो लाइव होता था खबरनामा और पांचों जितने लाहौर कराची कोयटा पिशावर ये सब इस्लामाबाद ये सब कनेक्ट होते थे उस वक्त सारे सेंटर उस वक्त एक खबरनामा होता था जिसमें पांचों सेंटर्स जो थे मुझे याद है कि लाहौर से आई है और मैंने कहीं ना कहीं मैंने देखा है कोयटा से ये न्यूज़ आई है अब इस्लामाबाद आबाद से अब लाहौर से ये आई आई रिमेम्बर ऑल ऑफ दैट मुझे ये बताएं जब पहली बार अपने आपको कास्टर देखा जब टीवी पे घर जाके रिकॉर्डिंग लाइव आ रहा था बहुत तो करती थी वी होती थी हाँ। उस पर रिकॉर्ड घर में मेरी छोटी बहन है सना हाँ। उसकी बस एक ही ड्यूटी होती थी कि मेरी <laughs> हर अनाउंसमेंट उसने रिकॉर्ड करनी फिर आप आके देखती थी फिर मैं देखती थी शौक होता पहली बार अपने आपको देखा एज ए न्यूज़ कास्टर तो क्या दिल में ख्याल आया क्या इंप्रेशन थे क्या दिमाग में आया कि मैं कैसी लग रही हूँ क्या है मैंने देखा तो मुझे उस वक्त वैसे भी मैं पतली सी थी मुझे स्क्रीन पे भी लगा लेकिन मैंने कहा यार अगर मैं अच्छे अच्छे दुपट्टे लूँगी ना दुपट्टे सर पर होते हैं हाँ। तो ये बड़ा रहे अच्छा रहेगा वो मैंने फर्स्ट डे जो मैंने सोचा उसको फिर मैंने कोई आप सोचें कि सोलह सत्रह साल उस चीज़ को कैरी किया मैंने कैसे मैनेज किया फिर मैं बहुत आ, बस जोड़े बनाती थी तब तो जाहिर है जो पैसे मिलते थे उन्हीं से मैंने नहीं। आ, करना अपने बजट को मैनेज करना होता था तो मैं बहुत महंगे कपड़े नहीं बनाती थी आ, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता था फैब्रिक आ, लेकिन मैं ये देखती थी कि स्क्रीन पर जो चीज़ अच्छी लगेगी नहीं। नहीं। वो ले लेती थी और okay. उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट में दुपट्टे को रखती थी क्योंकि हमारे no, सर पर दुपट्टा होता था इतना कपड़े नज़र नहीं आते तो वो तब से एक शौक चल रहा है और तब से एक स्क्रीन डिमांड का पता चल गया कि स्क्रीन पर कौन से कलर्स और क्या चीज़ अच्छी लगती है तो तब से चल रहा है आपको है तो वैसे तो हमेशा होता है कि इंटरव्यू है दूसरे दिन तो आप सोचते हैं बट आपके इंटरव्यू के लिए मुझे ज़्यादा स्पेशल हो रहा था मैंने कहा नहीं शलवार कमीज़ ऐसी होनी चाहिए इयर रिंग जैसे पहना बिकॉज <laughs> मैंने आपको देखा है माशा से यू ड्रेस सो वेल और बड़ा वो पर्टिकुलर आपका एक स्टाइल है और मुझे भी हुआ कि अच्छा मैं थोड़ी सी लिबर्टी अपने ड्रेसिंग में ले सकती हूँ कि मैं ये बड़े वाले पहन लूँ थोड़े से और मैंने कहा मतलब आपसे ज़्यादा नहीं हाँ। लेकिन थोड़ा सा मैं एक ज्यादा एक नॉच तैयार हो सकता नहीं अराब है लड़कियाँ आजकल की माशाल्लाह बहुत समझदार हैं इतने अच्छे से तैयार होती हैं लेकिन मेरा मेरा सिर्फ इतना ही मैं अपनी बेटी को भी सादिया को भी हमेशा से एक ही बात कहती थी वो भी बड़ी केयर फ्री थी अपने ड्रेसिंग के मामले में जीन्स पहन ली टॉप पहन ली बस जग, कहीं भी जाना है तो मैं कहती थी बहुत अच्छा ड्रेस है लेकिन हर ड्रेस मौके की मुनासबत से पहनना चाहिए आप आ, मेरी अम्मी से मैंने ये चीज़ देखी फिर मेरे जो आ, मेरी ममानियाँ आज भी आप देखें नानियाँ हैं दादियाँ हैं आपको बहुत वेल ड्रेस नज़र आएंगी और फिर वो चीज़ मेरी अम्मी में भी थी मेरी अम्मा कहा करती थी, थी कि अगर कोई घर आया तो आप उत, उतने ही तैयार हों जितना आने वाला तैयार हुआ है ये नहीं कि आप बहुत मेकअप कर लें हेयर डू कर लें ये वो नहीं आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी होनी चाहिए आने वाले को आप वेलकमिंग लगें ये नहीं होना चाहिए कि आया कोई घर पर और आप किचन से निकल रही हैं होफाप बैठे मैं अभी नहा के आती हूँ तो ये नहीं होना चाहिए सबा। तो मैंने ज़िंदगी में ये नहीं किया और फिर सादिया ने मुझे देखा उसने भी इस चीज़ को फॉलो किया अब माशाल्लाह अब अपने घर है तो मुझे ऐसे लगता है कि छोटी सबा है क्योंकि हर चीज को कैरी कर रही है तो लड़कियों में ये चीज़ होनी चाहिए आपने काम पर जाना है आप जीन्स पहने आपने किसी ने घर पर आना है आपको किस तरह से तैयार होना है फिर ईद त्यौहार पर कैसे तैयार होना है और फिर कोई शादी है तो कैसे तैयार होना है ये और औरत की खूबसूरती है रिस्पेक्ट भी है कोई अगर आपके घर आ रहे तो आप रिस्पेक्ट शो करें कि आप इम्पॉर्टेंट हैं आप इम्पोर्टेंट हैं आपके आने की हमें खुशी हो रही है हम अगर आपके पास बैठ रहे हैं टाइम निकाल कर तो आप ऑल द वे अपना टाइम और अपना सफ़र तय करके हमारे हम तक पहुँचें हाँ। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है वैल्यूज़ हैं रबा मैं तो कहती हूँ मैं कोई प्रोग्राम करूँ उसमें मैं सिर्फ वैल्यूज़ पर बात करूँ क्यों नहीं कहती आप प्रोग्राम ज़रा मुझे ड्रामों से थोड़ी सी फुर्सत <laughs> मिलेगी तो मैं हमेशा सोचती हूँ जिन चीज़ों से हम लोग दूर हो चुके हैं ना वो चीज़ें हमें अब दोबारा से बतानी है कि ये चीज़ें इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पर कितना मस्बत असर पड़ता है अगर ये चीज़ें हम में हों तो तो वैल्यूज़ जो है ना फैमिली वैल्यूज़ आपकी आ, 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 आपकी नानी दादी की बातें आपकी माओ की बातें आपके बड़ों की बातें आप किस तरह से उनको लेकर चलते हैं जैसे तो मेरी तो आज तक यही कोशिश है कि जो मेरी अम्मा जिस तरह से मिलती थी सबसे मेरी अम्मा जिस तरह से तैयार होती थी मेरी अम्मा के बैठने का अंदाज़ और वो सब चीज़ें यही कि मैं कोशिश करती हूँ मुझे मोहब्बत आती है तो मैं कहती हूँ इन चीज़ों को मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँ मैं देख रही थी कि आप खुश हैं आपको जो कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं ना आपको कोई वो नहीं है कि यार मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा मुझे ये क्यों नहीं है यू नो ये फीलिंग नहीं आती आपको मैं जब देखती हूँ आप खुश हैं विद वट यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ ये रा... कैसे अचीव करती हैं देखें राबिया जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता कुछ भी नहीं होता आपको ढलना पड़ता है हालात के मुताबिक हालात आपके मुताबिक नहीं हो सकते नहीं तो आ, मुझे जो कैरेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इस इंडस्ट्री से आज तक कोई शिकायत नहीं है लोगों को होती है कि जी हमने मेहनत की हम ये करना चाहते हैं हम इस तरह के कैरेक्टर किए इस मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ मुझे डे वन से अच्छा कैरेक्टर मिला और जावेद फाजिल अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे उन्होंने शुरू में मुझसे एक बात की आ, मैं कुछ 16 साल पहले हमने एक प्ले किया तो उसमें आ, मैं थी हम सईद की मदर का कैरेक्टर मैंने कहा जावेद साहब हम सैद की मदर का कैरेक्टर मैं कैसे करूँगी है पंद्रह सोलह साल पहले मैं भी बहुत यंग थी तो मैंने कहा बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन्होंने कहा अच्छा सभा हाँ आप मेरे पास ऑफिस आइएगा मैं आपसे बात करूंगा मैंने कहा ठीक है तब तक मैं कंफ्यूज चल रही थी कि मैं एक्टिंग करूं ना करूं क्या आते ही इतनी मैं तो खुद भी फील नहीं आती थी मुझे तो उन्होंने कहा कि देखो आ, अब इस एज में मेरे तीन बच्चे थे उस वक्त इस एज में आ, ये तो नहीं हो सकता सबा कि तुम मेन लीड करो मैंने कहा हाँ ये तो मुमकिन नहीं है कहते हैं इसके बाद रह जाता है एक माँ का कैरेक्टर एक भाभी का और एक बड़ी बहन का अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या करना चाहती हो माँ का कैरेक्टर भाभी का या माँ का बहन का तो उसमें डिफरेंस मैं तुम्हें बता देता हूँ अब चॉइस तुम्हारी है भाभी और बहन के कैरेक्टर कभी कभी किसी ड्रामे में आते हैं जो सॉलिड होते हैं जिसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन होता है जिसमें उनकी अपनी से होती है माँ का कैरेक्टर हर ड्रामे में होगा और माँ का कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट होता है हमारा सपोर्टिंग कास्ट में सबसे सॉलिड कैरेक्टर जो है माँ का है तो अब तुम पर डिपेंड करता है तुम जो भी करो तो तब मैंने सोचा मैंने कहा अच्छा मैं आपको बताऊँगी दो दिन मैंने सोचा और फिर मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया मैंने अपने आप को समझाया कि अगर मुझे इस फील्ड में सर्वाइव करना है तो मुझे फिर न, इन इन हकीकतों के साथ जाना है तो मैंने कहा जावेद साहब मैं माँ का कैरेक्टर करूँगी लेकिन उस माँ का कैरेक्टर जो के खुद अहम होगी उसकी कोई कहानी होगी वो सिर्फ वो वाली माँ नहीं है कि बेटा उठो पानी पी लो बेटा चाय पी लो बेटा आ गया बेटा सो गया मैंने कहा ये नहीं उसका अपना एक अहमियत होगी उस प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा ये तुम्हारी चॉइस है तो राबिया वो दिन और आज का दिन मेरा कोई माँ का कैरेक्टर मैंने कोई ऐसा प्ले नहीं किया जो जिसमें मेरी अपनी इम्पोटेंस ना हो माँ की अपनी या फिर मैं करती इतने डूब के हूँ कि वो कैरेक्टर बड़ा हो जाता है सही बात है। और ये वाकई ये आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो किस कैरेक्टर को कितना बड़ा बना दे तो मुझे लकीली अच्छे कैरेक्टर मिले लेकिन मैंने उन उन कैरेक्टर्स को डूब कर किया जैसे हम सफ़र का किया मैंने फ़र्स्ट टाइम किया दुर्र शहवार किया मैंने कितनी खड़ूस सास का कि आज भी सब लोग डरते हैं मैंने डूब कर किया मोहब्बत तुमसे नफरत है अस्सी साल की दादी तो का कैरेक्टर किया जबरदस्त वो तो और उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि ये तो जवान है ये कहाँ से अस्सी मैंने आवाज़ में मैंने बॉडी लैंग्वेज में मैंने चेहरे पर झुरियाँ डाल दें कुछ भी कर दें मुझे परफॉर्मेंस देनी है मैंने हर चीज़ से कोशिश की कि मैं अस्सी साल की लगूँ आपने इतनी खूबसूरत बातें शेयर की हैं कि बहुत आई एम आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड टच्ड के नहीं कि कि के, काम की उन्होंने बात की एंड आपने डिप्रेस या आपने कहा ये हकीकत है इसको मैं चूज करूं इसको चूज करूं आगे मेरा मेरा मेरे हाथ में क्या मैं कैसे हाँ, हां बिल्कुल अच्छा मैंने देखा आप बहुत अब माशाल्लाह से ड्रेसिंग के बारे में बड़ी पर्टिकुलर हैं आई लव द वे यू ऑलवेज कैरी योरसेल्फ और वही छोटी की रिंग भी ये भी और ये भी एन फिर मैंने मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं होती जी बात <laughs> और फिर ये भी कि आपने एक गारमेंट फैक्ट्री का बिज़नेस भी किया था आ, आप डिज़ाइन करती थी कपड़े खुद ग्यारह साल आपने जी जी ग्यारह साल मैंने तो, तो मुझे जा... बताएं क्या एक चीज़ है जिसके बगैर आप कहती हैं मैं कुछ भी ये एक चीज़ तो मेरे कपड़ों के साथ होनी चाहिए इसके बगैर मैं दरवाजे से सफारी कदम नहीं हाँ क्या है वो एक चीज़ ये भी फिर मैं बात करूँगी मेरी अम्मी कहती थी कि लड़कियों के कान नंगे नहीं होने चाहिए Okay. लड़कियों ने कुछ भी भले एक छोटे से कुछ भी पहने हुँ. लेकिन कानों में होना चाहिए तो मैं मे, मेरी तैयारी मेरी खूबसूरती मुकम्मल नहीं होती इस नोज़ पिन के और एक भले ये हो भले कुछ हो इसके बगैर ओके सो आप जब किसी से पह, मिलती हैं सबसे पहले क्या नोट करती हैं कि इसने कपड़े कैसे पहने जूते या ज्वेलरी नोट करती हैं uh, जूते पाओ मेरा पहले क्या नोट किया जब आप हुई तो आपने सबसे पहले क्या देखा आ, नहीं मुझे बहुत अच्छी लगी देखिए कैमरे में बोल नहीं सके नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी लगी सबसे आप ज़्यादा पहले क्या मुझे मैंने के? क्या नोट किया मैंने ये नोट किया कि आपने कहा कि आज मैं एयर लेकर आई हूँ क्योंकि आपने मुझे आप आ रही थी तो मुझे था कि यार आज तो मैं ये कुछ बैलेंस करने की कोशिश आपका अपने हिसाब से इस प्रोग्राम के हिसाब से मेरे ख्याल में आप परफेक्ट लग रही हैं बिल्कुल, बिल्कुल सभा से यही हमारी ऑफ कैमरा बात हुई मैंने कहा आप बिकॉज ये मुझे ना बहुत बड़े लगते हैं मुझे डर लगता है कि ओवर ना लग जाऊँ नहीं नहीं, तो नहीं नहीं बिल्कुल मैं नहीं आज तो मैं बड़े आराम से पहनती हूँ मेरे ऑपोजित <laughs> सबा ने भी बड़े अच्छे उन्होंने इन ही पहने होंगे सो ये चीज़ हुई अच्छा तो जब आप स्क्रिप्ट चूज कर रही होती हैं तो क्या चीज़ आपके दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें आपको एक्टिंग वाइज कितनी डेप्थ मिलेगी आपके पास स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा है या रोल बहुत डिफरेंट टाइप का है क्या चीज़ है जो या जिसको आप सबसे इम्पोर्टेंस देती हैं अच्छा मैं हूँ वैसे मैं सच्ची बात बताऊँ मैं हूँ डायरेक्टर एक्ट्रेस ओके मैं कभी भी ये सोच कर नहीं जाती हूँ कि मैं इस कैरेक्टर को मैं इस तरह से बनाऊँगी okay. मैं इस तरह से बोलूँगी हाँ उससे पहले आप वार्ड्रोव वगैरह सब डिस्कस करती हूँ डायरेक्टर से उससे कहती हूँ बस मुझे बता दें मिडिल क्लास है लोहर अपर है क्या नहीं, है नहीं। वो फिर बता देते हैं तो ड्रेसिंग पर अलहदल्ला हमारे इंडस्ट्री पूरी वो कहते हैं सब आपकी ड्रेसिंग पर हमें कोई एतराज़ नहीं हमें पता है आप कैरेक्टर अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर किसी में ऐसे ही पहनने मैं जहाँ गरीब हूँ मैं वहाँ बताती हूँ कि मैं गरीब हूँ मैं छः सौ आठ सौ की शर्ट भी पहनती हूँ क्योंकि हम मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्टिंग आप जब सीन के लिए खड़े हुए हैं आप अगर कैरेक्टर में हैं आपने ड्रेसिंग वैसी की आपका लेस मेकअप है या जो कैरेक्टर है उसके मुताबिक आप तैयार हो गए तो 50 परसेंट आपकी एज ए आर्टिस्ट तो कामयाबी हो गई बाकी आपको 50 परसेंट आपकी परफॉर्मेंस से देना है सही बात है तो हमारे यहाँ ये कोई समझता नहीं है बहुत, बहुत कुछ हैं आर्टिस्ट वो ये नहीं सम... तो हमें खूबसूरत नज़र आना चाहिए हमें अब जिस बंदी के ज़िंदगी में दुख आए हुए हैं वो चेहरे पर तो आएंगे ना तो हम इस एज में मेकअप के बगैर चले जाएंगे ना तो वो चेहरे पे दुख नजर आएंगे <laughs> कितने भी खूबसूरत हूँ ठीक है ना तो मैं मेकअप के बगैर चली जाती हूँ हाँ इसने सारी जिंदगी दुखों में गुजारी है तो ऐसे तो आप क्या करती हैं बैठ के पूरा डायरेक्टर के साथ डिस्कस करती हैं कि ये कैरेक्टर मेरा ऐसा है मुझे इस तरह की माँ होना चाहिए बिकॉज एज यू सेट तो आप डिफरेंट टाइप की माँ का रोल आपने किया एंड आई हैव टू है हर माँ डिफरेंट डिफरेंट यू you नो know, थोड़ा सा हक में तो वो मुझे बड़ा रीजेंट सेल्फिश सी माँ थी सेल्फिश नहीं थी वो देखिए औलाद के तो, लिए थी वो तो पावरफुल था बड़ा माँ जब बन जाती है ना हाँ। तो मैं कहती हूँ वो नेगेटिव रहती नहीं हाँ। वो या बच्चों की फेवर में पागल हो जाती है या बच्चों के अगेंस्ट हो जाती है लेकिन हर चीज को जब आप देखेंगे ना तो एंड क्या होगा औलाद की बेहतरी सही बात घर की बेहतरी उसमें आप सेल्फिश हो जाए तो बुरी बात है आप सामने वाले का भी ख्याल रखें अपना भी लेकिन उसको फिर आप नेगेटिव कैरेक्टर कहते हैं कि नेगेटिव किया है आपका तो तो इस... अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जितने भी आपने अभी तक किया उनमें से जितने ज़्यादा किए हैं ना अच्छे अच्छे कैरेक्टर चमक जो मेरा सबसे पहला ड्रामा हुँ। था जिंदगी का फर्स्ट प्ले मेरा उसमें मेरा बहुत अच्छा वो बहू का कैरेक्टर था उजमा गिलानी की बहू जिस पर बड़ा हुआ है वो बहुत अच्छा था फिर uh, मैं एक अभी मेरा बंधे की डोर से चल रहा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्यों अच्छा लगता है आई मीन लव वि उसमें उसमें लग रहा है कि हमारी एक फैमिली है वो मेरी सास है मेरी बहू है और सब लोग एक दूसरे से नाराज हैं लेकिन उसमें कोई एक कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है नहीं। दवाई के। हाँ, तो हाँ, वो हमारे दूसरे लम्हे उन्हीं की फेवर कर रहे हैं देवर मेरी हाँ. देवरानी से मेरी लड़ाई भी है लेकिन जब उनकी बेटी को वो छोड़ के चले जाते हैं बारात वापस चली जाती है उसी की बेटी को ब्याह के भी ले आई फिर उससे प्यार भी करती हूँ अब उसी बेटी की हुकूक के लिए अपने बेटे से नाराज हो रही हूँ तो उस, ये उसकी डायलॉग कैसे याद किए थे क्योंकि नेचुरल मुझे लगता है मेरे, मेरे मतलब घर में मैंने देखे मैं सीन इस तरह के होते हुए ना इतना नेचुरल फ्लो है आप, लो, आप लोगों की और इतनी खूबसूरती से आप लोग बोल रहे हैं राब्या उसमें ना मैं आपको फिर कहूंगी कि डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है मैंने अली फैजान हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ फर्स्ट टाइम मैंने किया था बंदे एक डोर से अब कयामत कर रही हूँ okay. और मैंने मैंने तकरीबन सब डायरेक्टर्स के साथ काम किया है सभी के साथ किया है लेकिन जो मुझे इनके साथ काम करके नहीं। पता नहीं किस तरह से सीन को सोच रहे होते हैं और मैं कहती हूँ मैं कहती हूँ अली आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस, इसको मैं किस तरह से बोल किस वो फिर मुझे ब्रीफ़ करते हैं। मैं कहती मैं समझ की समझ गई फिर मैं उसे उस तरह से करने की कोशिश करती हूँ तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है और मुझे लकीली बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे जावेद फाजल से लेकर और मोहसिन तलत तक और अंजुम शहजाद फैसल कुरैशी फिर न, नदीम बेग फिर हाइसम सबके साथ, सब साथ काम किया और सबके साथ मैंने एक मरतबा नहीं दो दो मरतबा काम किया सरमत के साथ सबके सब साथ काम तो किया तो ये न्यूज कास्टर से ड्रामे का सफ़र हुआ कैसे ये मुझे स्टोरी नहीं मिली इंटरव्यूज में <laughs> या मैंने मिस कर दी हाँ न्यूज कास्टर मैंने... देखें मैंने पहले अनाउंसर थी अनाउंसमेंट में बहुत टाइम देना पड़ता था जब मेरा मेरी बेटी हुई तो मुझे लगा कि मैं अब टाइम नहीं इतना दे सकती तो मैं सोच रही थी कि मैं छोड़ दूँ मीडिया छोड़ दूँ okay. तब रफ़ीक अहमद गुराया साहब जो हमारे नहीं थे आ, उन्होंने मुझे कहा कि सबा तुम फील्ड मत छोड़ो तुम न्यूज़ में आ जाओ मैंने कहा न्यूज़ में खबर नामा hmm. लाइव इतने पॉलिटिशनस के नाम क्रिकेटर्स के नाम और उसी वक्त पढ़ना मैंने कहा नहीं नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकती उन्होंने कहा hmm. तुम कर लोगी मैंने कहा अच्छा ठीक है वो फिर मैंने जब लोकल न्यूज़ पढ़ी पहले दिन तो कैमरा तो ज़ाहिर मैं फेस कर रही थी लाइव भी अनाउंसमेंट भी लाइव होती थी तो मुझे मज़ा आया कि मैं पाँच मिनट तो कैमरे के सामने रही हूँ ना अच्छा कैमरे के सामने आने का एक, एक हा, हो गया था हाँ, कैमरा कैमरे का लेंस जो है ना बस मुझे है। और, इन लाइट, से, है। आपको। हाँ, और इन लाइट से आप यकीन करें हम सीन कर रहे होते हैं ना तो अगर मेरी लाइट के आगे कोई दूसरा आर्टिस्ट खड़ा है या मेरी लाइट कट रही है किसी भी वजह से मैं डायलॉग भूल जाती हूँ मेरे दिमाग से निकल जाती मैं कहती हूँ भाई लाइट कट रही थी तो मेरे तो वो लाइट होती है फिर सही तो मैं डायलॉग बोलती लोगों को लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको लोगों ने लाइट काटी है तो लाइट बार... काटी तो मैं नहीं बोल रही भाई अच्छा। तो आ, फिर मैंने न्यूज़ इस तरह से मैंने न्यूज़ स्टार्ट कर ली और मैंने बहुत जल्दी लोकल न्यूज़ से ख़बरनामे में मेरे ख्याल में हार्डली एक महीना मैंने लोकल पढ़ी है उसके बाद मैं नेटवर्क पर नेटवर्क पर आ, हाँ, क्या होता था मतलब वो न्यूज़ आ जाती थी तो दस मिनट पहले आप लोग उसको पढ़ के प्रैक्टिस नहीं करते हाँ थे वैसे भी आती लेकिन एजेंसी से उस वक्त भी आ रही होती हैं तो वो अपने हाथों से लिख के ऐसे टेबल से पकड़ाया करते थे हम खबरें पढ़ रहे हैं वो पकड़ाया अब वो पढ़नी शुरू कर दी है तो हमें पढ़ लेती हूँ <laughs> वो पढ़ी भी है ये है सिर्फ मेरे ख्याल में आपकी अपनी प्रैक्टिस क्योंकि एक वक्त आया था पीटीवी में इन्होंने कहा कि अपना न्यूज़कास्टर वो बनेगा जिसने मास्टर्स किया होगा ये भी मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ ये इसका ऐसे ही डिफरेंस है जैसे तालीम और तरबियत का डिफरेंट नहीं, डिफरेंस नहीं। है ना वैसे इस चीज़ का भी ये डिफरेंस है कि उन्होंने कहा कि जी आप आ, मास्टर्स होगा ना तो ऑडिशन तो के लिए अप्लाई करें एक दिन मैं टीवी गई तो हमारा वो जो लॉबी थी भरी भी लोगों की कि किसी आदमी का पेट इतना बड़ा है कि औरत इतनी मोटी है किसी ने स्कॉफ़ लिया है मतलब हर तरह के लोग थे लेकिन उनके पास डिग्रियाँ थी सब ने मास्टर्स किया हुआ था एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो चीज़ नहीं थी। क्योंकि आ, उस वक्त न्यूज़ के लिए एक डिब्बे में परफेक्शन चाहिए होती थी आपके पेरेंट्स आपके बोलने का अंदाज़ आप थोड़े शक्ल भी आपकी ठीक हो और आप खबरें भी पढ़ सकें तो ये सारी चीज़ें आ, सिर्फ आप पढ़ाई से कवर नहीं, नहीं कर सकते थे ठीक है पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है ये मैं आपको बता रही हूँ कि तालीम और तरबियत हमारे यहाँ क्या है तालीम है तरबियत की कमी है तो अगर वो तरबियत नहीं है ना तो मुझे वो तालीम मैं कहती हूँ बेकार है जिसमें घर की तरबियत नहीं है सिर्फ इंस्टीट्यूशन की तालीम है ना

हमारे बच्चों को एक उनकी जगह देने का कोई घर पर कोई गैर भी आ गया उससे बात करने का नेबर्स के साथ जो सलूक था मैं हैरान होती थी कि तालीम मम्मी की नहीं है लेकिन क्या ये मतलब इतनी परफेक्ट थी हर रिलेशन में ये है इम्पोर्टेंट वो चीज़ चली गई है अब हमारे यहाँ से वो है ही नहीं चली गई है वो बिल्कुल नहीं है बस अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाए दुआ की जा सकती है <laughs> अच्छा हाँ तो हाँ. फिर आप न्यूज़ कास्टर आपने न्यूज़ कास्टर फिर, फिर मैंने आ, इस तरह से फिर एक्टिंग सेक्टिंग बस फिर न्यूज़ न्यूज़ कास्टर बनी फिर मैंने न्यूज़ रिपोर्टिंग की कल्चरल रिपोर्टर थी मैं okay. मैं वो जितने अवार्ड्स फंक्शन होते थे सबकी रिपोर्टिंग करती थी फिर मैंने अवार्ड फंक्शंस की बहुत कंपेयरिंग भी की hmm. और उसके बाद फिर दिल उत्तास आ गया फिर वो यह देना शुरू कर हाँ फिर मैं अपनी आ, वो बुटीक भी चला रही थी अपनी फैक्ट्री भी लेकिन फैक्ट्री में ये होता था कि आप वर्कर्स के साथ है तो सुबह मैंने एक चादर लपेटी और चली गई शाम में आती तो मेरे हस्बैंड कहते तुम बहुत जल्दी बुढ़ी हो जाओगी तुम बाल भी डाई नहीं कर रही हो तुम सेलोन भी नहीं जा रही हो मैं कहती नहीं बड़े काम हैं ऑर्डर्स हैं ये वो कहते नहीं फिर मुझे साथ ड्रामे ऑफर होने शुरू एक मैंने किया बहुत इसरार करने पर उमापा ने भी मुझे कहा फिर यावर साहब बहुत कहा करते थे कि तुम ड्रामे करो तो मैं कहती थी ड्रामा करना अच्छे लोगों का काम नहीं है ऐसे पहले तो ऐसे ही फील या, होता या। था, था ना लेकिन फिर जब आ, मैंने एक ड्रामा कर लिया वो उसमें इतना अच्छा मैंने किया कि फिर मुझे बहुत ऑफ़र्स आई लेकिन एक साल मैंने नहीं किया था उसके बाद फिर मैंने जब ड्रामों की तरफ आई तो उसमें ज़्यादा काम कराची में था तो जो लाहौर में होता था मैं वो करती थी फिर जब कराची आना होता था मेरी फैक्ट्री बहुत सफ़र फैक्ट करती, करती थी, थी, थी। फिर मैं मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक चीज़ चूज़ करो तो मैंने एक चलती फैक्ट्री जो कि मुझे अच्छी खासी इनकम हो रही थी मुझे छः माह लगे मैंने इसखारा किया फिर मैंने बंद की कि इसका मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा कि अल्लाह तला के लगी रोज़ी को तुम लात मार रही हो किसी उस रोज़ी के लिए जो पता नहीं है तुम्हें तुम उसमें कर भी सकती हो या नहीं तो मैंने सखारा किया छः माह लगे फिर मैंने वो वाइंड अप किया और मैं जब से एक्टिंग में आई मैंने मुड़ के देखा भी नहीं क्योंकि मुझे अलहमद आज तक फुर्सत ही नहीं मिली बहुत बड़ी चीज़ होती है अपनी चीज़ को इस तरह बंद करके आना। आई, कि आपके बस बस पे आपकी पर छोड़ा था ना लेकिन खैर चले ये भी आपका शौक था आपने ये शौक़ था और ये ये ज़्यादा बेहतर है मुझे हाँ लेकिन इसमें मैंने बहुत चीज़ें बहुत मिस की जैसे मैं अपने घर को मिस करती हूँ मेरे हस्बैंड उधर होते हैं आप बच्चों की तो अपनी लाइफ है ना हम लोगों की अपनी लाइफ उस, उसको हमने बहुत वो गुजार दिया है कैसे मैनेज करती हैं बैलेंस कैसे मैं यही दूसरा मेरा ये भी सवाल था कि माशाल्लाह से यू हैव सच अल्लाह आपको और भी खुशियाँ दे बैलेंस्ड लाइफ मैरिड लाइफ इज़ हैप्पी लाइफ यू नो कैसे बैलेंस किया आपने काम जैसा आप बोल भी रही हैं कि कराची आना पड़ता था हस्बैंड को बच्चों को किस तरह करती थी बस बहुत चीज़ें मैंने कुर्बानी भी दी बहुत चीज़ों की मैं लाहौर मैं जाती हूँ तो मैं शहज़ादियों की तरह रहती हूँ कुक भी है तो काम वाली भी है तो टांगे भी दुबा रही है सफ़ाई भी हो रही है खाने भी टेबल पर लग रहे हैं और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं तो फ्लैट में अपने किसी कोई का काम वाली नहीं रखी कोई कुक नहीं संडे को खुद कुकिंग करती हूँ अच्छा मुझे अपने लिए या फिर ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा आता है आपको जहनी तौर पर अपने आप को तैयार करना होता है तो मैं मैं इधर जब अपने लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना तो मेरा सबसे खूबसूरत टाइम होता है जब मैं सुबह उठकर मी टाइम होता है हाँ, हाँ। कि मैं नाश्ता बनाती हूँ बैठती हूँ मैं नाश्ता करती हूँ तो मैंने उसमें अपना सुकून तलाश कर लिया मैंने ये नहीं सोचा कि यार मुझे तैयार हुआ हुआ मिल जाता मैं करके मैं कहती नहीं ये बहुत मज़ा आ रहा है मुझे क्या बनाती हैं ज़्यादातर तो मैं फ्राई एग ले लिए फिर मैं कभी कभी ब्रेड uh, पर बटर लगाकर दही <laughs> के साथ भी खाती <laughs> हूँ। <laughs> दही के साथ? ओह oh, ये मैंने पहली बार सुना है। बटर बड़ा तो, मज़ा आता तो, है। टॉस्टेड ब्रेड पे। यस yes. और ये नेस्ले वाला आ, वो या वो ब्राउन हो। ब्रेड फ्रॉम लेकिन

फैसला कर रही थी कि मैं फैक्ट्री बंद करके कराची आऊंगी या ट्रैवल क्या करूँगी डर नहीं लग रहा था कि मियाँ स्पेशली फ्रॉम आई डोंट नो मुझे ये सवाल पूछना चाहिए नहीं चाहिए लेकिन बहुत सी लड़कियां इस वक्त आपको देखते हुए हो सकता है इसी सिचुएशन में हो और सोच रही हूँ एक्टर्स भी नॉन <laughs> एक्टर्स भी कि वो क्या करें कि मियाँ को छोड़ के जा रही हैं वो अकेले यू नो you know, खुद इस फील्ड में जा रही हूँ कुछ इस तरह के खौफ आते थे। इस तरह का बात हुई हस्बैंड से क्या किया क्या कोई कोई टिप देंगी कोई एडवाइस करेंगी मैं राबिया एक ही बात कहूँगी कि ये सारा ना मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मुझ पर और मेरा मेरे हस्बैंड पर ये रिलेशन जब तक आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे के ख़्यालत को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ये रिलेशन जो है ना बहुत वीक होता है पर जब एक बात बताएं ऐसा नहीं होता कभी कभी औरतें ट्रस्ट में भी मारी जाती है। मारी जाती हैं जाती है जो ट्रस्ट बिचारियाँ कर ही होती हैं और पता चलता है कि it राबिया मैं आपको अपनी फैमिली का बताऊँ हमारी okay. फैमिली जो है उसमें दूसरी शादी दूसरी औरत घर ख़राब अलहमदल हमारी हिस्ट्री नहीं है okay. hmm. मेरे हस्बैंड आदमियों की एक होती है एक अपनी एक नेचर भी होती है सब कुछ तो मैंने तो उन्हें शुरू में कह दिया मैंने कहा आप किसी से भी दोस्ती कर लें लेकिन आप जब उसको जिस वक्त ये बताएंगे ना कि मेरी बीवी सबा फैसल है वो खुद भाग जाएगी <laughs> मुझे आप पर नहीं मुझे खुद पर बड़ा ट्रस्ट है आई लव यू फॉर दिस दिस वो कोई आपके हाँ. इर्द गिर्द आएगी, आएगी नहीं लेकिन नहीं। ये खाली मैंने इस तरह से नहीं बिठाया कि भाई मैं अपने शोहर पर नजर रखूं मैंने उनको खाने खिलाए मैंने उनके आज भी मैं जाती हूँ उनका पूरा वॉर्ड्रोब प्रेस करवा के रीऑर्गेनाइज़ करके मैं लाहौर आती कराची आती हूँ और उन्होंने शादी में जाना है उन्होंने किसी डिनर पर जाना है वो फ़ोन करते हैं आज जाना है या कल जाना है मैं उन्हें कहती हूँ राइट साइड पर जो दूसरा सूट है वो आपने पहन कर जाना है आपकी सॉक्स वहाँ पड़ी हुई हैं वो पहननी है वो मेरे मशवरे के बग़ैर वो कहीं तैयार होकर भी नहीं कनेक्शन आपने वो कनेक्शन मेंटेन रखा है अपना और उनका बहुत कि उनको आपकी इम्पोर्टेंस अपनी जिंदगी में फील भी और चाहिए भी और him, you know? आदत नहीं डालेंगे ना हुँ, शोहर हुँ, लड़कियां क्या करती हैं शादी के बाद वो कहती है हाई हमारा मैका छूट रहा है हम मैके में रहेंगे मैं आप लड़कियाँ जब मैके रहती हैं ना तो वो उनके शोहरों को उनकी आदत ही नहीं रहती उनको वही आते रहती हैं या माँ के हाथ की या नौकरों के हाथ की तो उनकी जिंदगी में फिर आप फिर बीवी होने हो बीवी है। होने बीवी बनने से बीवी का नाम होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बीवी बन के दिखाएं तो मैंने इस तरह की बहुत कुर्बानियां दी हुई है बहुत ज्यादा आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की आई होप के जो लड़कियां सुन रही है हाँ लड़कियां कहती हैं भाई मैं नाश्ता बनाऊ क्यों मैं कपड़े इसी करूँ क्यों मैं मैं अपने मैके जाके क्यों ना बैठूं आजकल ये है लेकिन अच्छा मेरी बेटी भी बहुत आके रहती थी मेरे घर मैं नहीं बुलाती थी लेकिन आके रहती थी हुँ. फिर उसको समझाया आहिस्ता आहिस्ता समझाया कि नहीं बेटा अपने घर में दिल लगाओ वो रहने से दिल लगता सही है, बात है ना? है। हाँ, तो, सही बात बात है है आप एक नई फैमिली में चले गए तो टाइम तो लगेगा टाइम लगता है और जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे उस फैमिली को अपना भाई हर काम में ना एफर्ट इंसान के उसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते आपको प्यास लगी है ना आपको गिलास को ला के रख भी देगा ना आपको पकड़ के पीना खुद <laughs> सही बात है वो कोई नहीं पिलाएगा आपको तो हर काम में आपकी कोशिश बहु, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छा ये बात ये बात मैं सास और बहू की भी बात पर एक बड़ी अच्छी ये किसी ने ही मुझे बताई थी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि क्यों कहती हैं सासें कि भाई तुम ना मेरी बहू नहीं हो बेटी जैसी हो क्यों बहू का रिश्ता अच्छा नहीं है बहू जैसी क्यों नहीं हो अच्छी हो सकती सही बात है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्यों कि बेटी बेटी से ही माँ प्यार करेगी बहू से क्यों नहीं करेगी बहू अच्छी होगी तो बेटियों की तरह प्यार करेगी लेकिन उसे बहू समझ कर प्यार देगी तो ये भी बड़ी अहम बात है इस चीज़ को भी अब लोगों को निकाल देना चाहिए जहन से कि मैं तो अपनी बहू को बहू नहीं बेटी समझती क्यों भाई बहू भी प्यारी होती है बहू हाँ। से भी प्यार कर सकते हैं और हाँ। उस रिश्ते की अपनी एक रिस्पेक्ट और पोजीशन है उसको एक और रिश्ते से मत करें ना मत करें ना एक्सपेक्ट करें वैसा ना हाँ। और, और सास नहीं। भी नहीं मैं तुम्हारी माँ हूँ नहीं भाई सास भाई सास हूँ हाँ। मैं हाँ। सास हूँ लेकिन मैं तुम्हारा एहसास करूंगी सास हूँ और वो माँ जैसा बिल्कुल नहीं हो वो लेकिन अपने उसमें वॉम्थ और मोहब्बत वाला होगा होगा बिल्कुल 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 सही आपने इतने एक्टर्स और इतने लोगों के साथ माशाल्लाह से काम किया हुआ है राहत काजमी के साथ काम किया थे? नहीं राहत के साथ नहीं किया, नहीं किया। मैं कुछ लोगों के नाम लेती हूँ आप मुझे कोई भी कोई चीज जो आपकी आपको उनके बारे में इम्प्रेस की हो या आपको उनके बारे में मजे की लगती हो वो आप हमारे साथ अगर शेयर कर सकें इमरान अब्बास इमरान अब्बास मेरा बच्चा है वो बहुत अच्छा इंसान है वो आ, एक्टर तो सारे बहुत अच्छे हैं असन भी बहुत अच्छा है दानिश भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छे अच्छे, अच्छे, अच्छे एक्ट्रेस हैं लेकिन इमरान की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो अंदर से उसका सोल बहुत अच्छा है बहुत प्योर है बहुत अच्छा इंसान खान आप सब वो लोगों का नाम ले रही हैं जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं इसीलिए तो नाम आयज़ा आयजा की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज़ है okay. वो अपना सूटकेस भी लाती है सूटकेस के ऊपर कवर भी होता है और सूटकेस के अंदर कपड़े ऐसे फोल्ड किए पड़े हुए होते हैं और हर रोज़ वो लेके जाती है दूसरे दिन जब लेकर आती है तब भी ऐसे ही होते हैं क्योंकि वो घर जाकर भी उन्हें सही करती है और वो उस किसी की हेल्प नहीं लेती सारे काम खुद करती है और सबसे एक उसकी जो बात मैं उसे कहती हूँ बीबी बैठ जा मेरी आंखें थक गई हैं हाँ। वो आपको बैठी भी नहीं मिलेगी सच सर क्या तो चलती रहती है कभी उधर जा रही है कभी उधर जा रही है कभी उधर जा रही है मेकअप भी कर रही है कभी उधर खड़े होकर शीशे में मेकअप कर रही है कभी इधर छोटा सा शीशा है उसमें मेकअप कर रही है तो वो बैठती नहीं है सुकून नहीं है वो ऐसे 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 हिलती रहती है और आपको वो होता होगा कि बैठ जाओ बैठ जाओ थोड़ी सांस लो प्यारी बच्ची है बहुत एहसिन खान ऐसन भी ऐसन के साथ तो मैं मैं रही भी हूँ बहुत टाइम हमने एक साथ रहे भी हैं क्योंकि मैं जब कराची आई थी तो मैं अकेले रहने से बहुत डरती थी तो ऐसा ने कहा आप फ़िक्र नहीं करें हाँ। हम साथ रहेंगे आप उसके जब आप तो सेटल हो, 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 हो जाएंगी तो फिर आप तो फिर हम साथ भी रहे हाँ। और उस दौरान मैंने उसको बड़ी अच्छी तरह वो भी बहुत अच्छा इंसान है पाँचों वक्त का नमाजी है रोज़े नहीं छोड़ता कुरान नहीं छोड़ता ये चीज़ें मैंने उसकी देखी और आ, किसी गलत काम में नहीं है लेकिन वो आ, जैसा देश वैसा भेस ये ज़रूर करता है और okay. लेकिन वो भी इंसान बहुत अच्छा है ओके okay. सनम बलोच सनम बलोच दुरे शहवार में आप हाँ दुरे शहवार में आ, सनम हेल्पफुल बहुत है ओके okay. हाँ सेट पर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा ना हाँ। वो फॉर रन खड़ी हो जाएगी उसके लिए ओके okay. ये मैंने कई दफ़ा देखा है एक सनम में ये बहुत बड़ी क्वालिटी है एक मैंने शुरू में आकर सादिया इमाम के साथ काम किया था और सादिया इमाम के घर पर रही थी वो भी बहुत हेल्पफुल और बहुत अनथक लड़की है वो okay. uh, यमुना जैदी यमुना बहुत क्यूट है बहुत अच्छी है हुँ। बहुत हुँ। मैं तो उसे अभी भी कहती हूँ मैं कहती हूँ तुम बिल्कुल बच्ची लगती हो लेकिन अभी कुछ अरसे मैंने उसके साथ काम नहीं किया लेकिन जो मैं स्क्रीन पर उसका काम देख रही हूँ वो इतनी मैच्योर आर्टिस्ट बन गई है और इतनी वर्सटाइल बन गई है कि एक मेन लीड लड़की जो है उसमें इतना स्टाइल हो इत, इतनी तरह से वो अपने डायलॉग बोल सके ये उसका खासा है मैंने उसी में देखी है एक चीज़ सना जावेद सना जावेद की खूबसूरती जो है ना उसकी बहुत बड़ी खूबी है और अब और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है जब उसने काली पोत गले में पहनी होती है तो बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छी बात है कि उसने एक अच्छा डिसीजन लिया और अपने पीक करियर पर शादी कर ली है क्योंकि इसका एक वक्त मुकर है एक्टिंग का कोई टाइम नहीं मैं नहीं। तीन बच्चों के बाद आकर अब तक बिजी हूँ तो टाइम नहीं है एक्टिंग में आप कभी भी आ जाएं आप कामयाब होंगे अगर आप एबिलिटी है तो बिल्कुल एक बात बताएं सभा आपको लगता है हमारे जो अवार्ड्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है जितने भी कैटेगरीज होती हैं एक कैटेगरी सीनियर आर्टिस्ट या स्पेशल रोल्स के लिए कुछ होनी चाहिए आपको क्या लगता है कि क्योंकि ऐसी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती बहुत दफ़ा बहुत से आर्टिस्ट जो सपोर्टिंग रोल जैसे माँ का कैरेक्टर या सास का या भाई का या उसमें कर रहे होते हैं और सीनियर होते हैं उनको उनकी रिकग्निशन नहीं मिलती hmm. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम रियलिस्टिकली देख लें तो वो सपोर्टिंग एक्टर भी मोस्टली भी जो नेम्स होते हैं वो यंग लोगों के ही होते हैं बिल्कुल you know. आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए रिकगनीशन होनी चाहिए अच्छा रबे ये फिर वही बात आ गई कि मैंने कभी इन चीज़ों को फील नहीं किया जब मैं बड़े अहम रोल भी कर रही थी तो मेरे साथ अगर समीना ज़्यादा हैं या बुशरा अंसारी हैं या सबा हमीद हैं या रूबीना अशरफ हैं ये लोग जब मेरे साथ होते थे भले मैं एक बड़ा कैरेक्टर कर रही होती थी तो मैं एंड क्रेडिट ज़रूर देखती थी तो मेरा नाम कहीं नीचे आता था ना तो मेरा दिल दुखता था देख मैं कहती थी कि अब मैं डिज़र्व करती हूँ कि मेरा नाम ऊपर आए नहीं आता था लेकिन कभी मैं शिकवा नहीं करती थी मुझे लगता था शिकवा करने से मैं छोटी हो जाऊँगी या मैं लोगों को कह रही हूँ इस तरफ ध्यान दिला रही हूँ कि आप देखें हाँ। इंतज़ार किया इंतज़ार किया वो वक्त है कि मेरा नाम आता है और मुझे देख कर एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने कभी कहा नहीं ये दिल में आता था लेकिन आज वो वक्त आया कि मैं देख रही हूँ और खुश हो रही हूँ बिल्कुल इसी तरह मैंने बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर किए बहुत मुश्किल मुश्किल कैरेक्टर किए जो आप आ, ये मोहब्बत तुमसे नफरत है ज़रा याद कर फिर हम सफ़र दुर्र शहवार, ये चार ड्रामे मेरे क्रेडिट पर ऐसे हैं कि जो मैंने मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की और उसमें मुझे तो कोई अवार्ड नहीं हम सफ़र में मिला था उनका हम टीवी का अवार्ड मिला था मुझे उसमें लेकिन वो दस साल अवार्ड थे उन्होंने हम सफ़र को दिए थे लेकिन उस तरह से मुझे अभी तक अवॉर्ड नहीं मिले yeah. तो मैं तो फील भी नहीं करती हूँ hmm. क्योंकि आवाम इतनी मोहब्बत करती है और मैं मैं नेशनल अवार्ड ले चुकी हूँ दो एक न्यूज़ में एक मैं अनाउंसमेंट में तो hmm. वो अवॉर्ड जब होते थे ना तो अवॉर्ड होते थे भाई वो ठीक hmm. है ना अभी तो आ, मैं अवार्ड शोज़ में भी नहीं जाती हूँ hmm. शुरू में गई हूँ फिर मुझे आ, बस मैं समझती हूँ कि सपोर्टिंग में भी उन्हीं लोगों को अवॉर्ड मिल रहा है जिन्होंने पी से नाम बनाया है जो जिन्होंने बड़ी मेहनत की है जिनका सफ़र बहुत लंबा है मुशर अंसारी रुबीना सबा अतीका ओडो ये इन सब के नाम तो आते ही रहते हैं किसी न किसी कैटेगरी में अगर मेरा नहीं आता तो मुझे इस चीज़ की ना तो किसी से शिकायत है और ना मैं मेरे ख़्याल में मुझे चाहत है Yeah. तो ऐसा कुछ नहीं क्योंकि अवाम इतनी मोहब्बत करती है मैं कहती हूँ मुझसे ऐसे मोहब्बत करते हैं किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये जा रही हूँ हम क्यों पूछें हम क्यों उनके साथ तस्वीर लें वो सिर्फ़ एक ही बात कर रहे होते हैं सब आपके साथ एक पिक्चर ले लें बाहर मिलें और फिर वो जब मिलते हैं तो कहते हैं हमें आप अपनी लगती हैं तो असल तो हमारा रिवॉर्ड यही है ना आवाम सही बात है तो मुझे आज तक नहीं मेरी नॉमिनेशन भी नहीं हुई मुझे मैंने कभी फील भी नहीं किया ना चाह चाहत की कभी मिलना होगा तो मिल जाएगा अवार्ड तो सब कुछ नहीं होते नहीं। मैं पर्टिकुलरली आपके तो पॉइंट से नहीं बोल रही थी मैं जनरली कही हाँ। थी कि आपका ख्याल है कि होना चाहिए नहीं होना तो देखिए आप इतनी स्ट्रांग हैं माशा कि आपको नहीं होता बहुत से लोगों को होता होगा कि ये बहुत से मुझे लगता है कि बहुत से कैरेक्टर्स रिकग्नाइज होने चाहिए जो शायद नहीं होते देखिए ये लोगों ने ना पहले ये कहा जाता था कि हमारा जो हमें अवाम की तरफ से जो पसंदीदगी है ना वो हमारा अवार्ड है बहुत बड़ा ठीक है वो तो होता है वो थिएटर की हद तक है उसी वक्त उन्हें रिस्पांस मिल जाता है बिल्कुल थिएटर में लेकिन टीवी फिल्म इधर तो आपको जब अवॉर्ड होंगे उसी में मिलेगा अवार्ड लोगों की पसंदीदगी तो आपके लिए ही रही होती है तो होना तो चाहिए सपोर्टिंग कास्ट की नॉमिनेशन में कैटेगरीज ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन हो सकता है इतने लेकिन मैं राब फिर बात कहूँगी हमारे हर अवॉर्ड शो में आपको फिंगर टिप्स पर पाँच छः सात आठ के बाद आर्टिस्ट आप हुँ, सोचने हुँ, पर आ जाएंगे हैं कौन अच्छा वो भी था तीन चार पाँच छः आप फ़ौरन 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 उसके बाद आप सोचेंगे तो यार ऐसी छोड़े <laughs> चले <laughs> इंडस्ट्री में दोस्त कौन है आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है कोई दोस्त है या कोई है जिनके साथ बोलती है या ये मेरे साथ ड्रामे में अब तो मज़ा आएगा आर्टिस्ट सारे ही बहुत अच्छे हैं अभी के साथ किया था मुझे बहुत मजा आया फिर सना जावेद के साथ मज़ा आया फिर एहसन उनके साथ तो मैंने बहुत काम किया है मुझे बड़ा अच्छा लगता है आम... जिनसे गप्पे लगती हूँ ना बैठ के सेट पे अगर हैं या हिलाली हाँ, वो हो इतना मजा आता है बहुत हाँ। मजा आता है फिर वो इतनी इन्फॉर्मेशन भी दे रही होती हैं फिर अच्छा। वो है उन, उनके साथ बैठकर आपकी आपको नॉलेज इतनी मिलती है वो बहुत ही एक ना प्यारी खातून है बहुत अच्छा। और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ हाँ वैसे मैं सबके साथ मुझे सबा हमीद के साथ बहुत मजा आता है सबा हमीद के साथ मैंने काम किया बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छी है कोई आपसे छोटे आर्टिस्ट हैं जिनसे आपने कुछ सीखा हो क्या सीखा और कौन है कुछ क्या मैं आपको बताऊँ राबे ये सब यंगस्टर्स जो है ना ये बहुत मेहनती हैं अच्छा मैंने इनमें अब नीलम मैं नीलम के साथ काम कर रही हूँ बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करती उसकी कोशिश होती है कि मेरा काम खत्म वो हो इतनी टाइम की पाबंदी आपको पता है वो इंटरव्यू के लिए वो एग्जैक्ट टाइम पर हाँ। थी You know? हाँ तो वो ऐसी है आयजा से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि वो घर और फील्ड और अपनी फ़ैमिली लेके माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से चल रही है माशाल्लाह यमुना मुझे बहुत पसंद है यमुना जो बहुत पोलाइट बोलती है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है बहुत रिस्पेक्ट से बोलती है बहुत अच्छा बहुत लगता है एमन मिनाल के साथ मैंने काम किया बड़ी प्यारी बच्चियाँ हैं वो भी और सनम चौधरी जो अब yeah. नहीं कर रही आजकल yeah. वो बहुत अच्छी है वो भी सबसे मैंने अब okay. जरूरी नहीं है कि आप बड़े हैं तो आप सिखाएं yeah. आप सीखते भी हैं आप ना भी जाहिर करें yeah. आप कई चीज़ें उनकी सोच रहे होते हैं कि ये इसकी कमी है मेरे में देखें इसमें अभी से इतनी पेशेंस yeah. है ये वाँ. तो अभी तो आप है कौन है से, है। दो से दो प्रोजेक्ट्स पे छोटी सी मोहब्बत पे और क्या क्या मत तो कौन कौन है आप उसमें तो शेरिया मुनवर माया और एच एस वाई एच एस वाई हैं और इसमें एसम खान नीलम शबीर जान सबा फैसल और सबा फैसल, है। सबा, फैसल है सबा फैसल आपने काम किया अल्लाह इसमें भी बड़ी खतरनाक हा? बनी हुई क्यामत में बहुत खतरनाक ओ, है फिर अच्छा से। अच्छा कराची की सबसे फेवरेट बात क्या लगती है मज़े की क्या चीज़ लगती है जब लाहौर जाती हैं क्या मिस करती हैं और लाहौर की तो सब चीज़ें यहाँ मिस करती कर लाहौर की तो हर चीज खाने वाने वहाँ का मौसम आजकल सर्दियाँ लोगों का बिहेवियर हर चीज लेकिन वहाँ सुस्त बहुत हैं लोग यहाँ चुस्त बहुत हैं लोग <laughs> तो ये यहाँ की सबसे बड़ी जो एक बात है आप शॉप्स में जाएं आप मॉल चले जाएं आपने कोई चीज़ ली एक सेकंड में आपको खुला भी देंगे एक सेकंड में आपका बिल बना कर देंगे वहाँ तो बातें करते रहेंगे फ़ोन पर ये वो तो वहाँ पर यहाँ ज़रा प्रोफेशनल लोग ज़्यादा हैं है। और मार्केट बहुत बड़ी है और सबको सब अपने काम से काम रखते हैं और काम काम गर्ज है और दूसरी कोई गर्ज़ नहीं है जब मैं चाहती हूँ आप लड़कों को कोई एडवाइस दें जो लड़के इस वक्त देख रहे हैं हमारा ये शो कि उनकी शादियाँ हों तो वो मतलब बिकॉज आपने कहा कि आपके हस्बैंड की बहुत बड़ी सपोर्ट थी उसके बगैर उनकी कॉपरेशन के बगैर आप यहाँ नहीं होती बिल्कुल बिल्कुल आप क्या कहेंगी जो आई एम श्योर आपने अपने बेटों को भी सिखाया होगा कि किस तरह अपनी रिलेशनशिप को अपनी बीवी को किस तरह ट्रीट करें क्या करें कि बिकॉज आजकल हम कितना देख रहे हैं ना इतने ब्रेकअप हो रहे हैं इतना सैड अफसोस होता है देख के आप क्या एडवाइस करेंगे वो क्या उस... लगती आपको हाँ, मिस... लड़कियों का तो आपने बताया हाँ मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बोलना चाहेंगी आ, देखें मिसिंग जो चीज़ है ना वो है हमारी पेशेंस ओके सबसे पहले बर्दाश्त ख़त्म हो गई भी है और इस रिलेशन में कोई भी ये कहता है ना कि जी हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिसाल ले लें कि मैं कहती हूँ कि हम परफेक्ट मैंने फैमिली लाइफ मैरिड लाइफ गुजारी है परफेक्ट कहीं भी कुछ नहीं होता कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने किया है कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ने किया है तो आ, इसी तरह आजकल लड़कियों में और लड़कों में बर्दाश्त की जो कमी आ गई है ना वो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त अपने में अंदर पैदा करनी होगी एक दूसरे की बातों को टॉलरेट करना होगा और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है और वही सबसे पहली सीढ़ी तो है आपकी प्यार और रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है ना तो प्यार मोहब्बत सब भाड़ में चले जाते हैं थे तो थे सबसे ज़रूरी नहीं है कि बीवी ही शौहर की रिस्पेक्ट करे शौहर का भी काम है कि वो बीवी की रिस्पेक्ट करे तो यही चीज़ें हैं इन्हीं चीज़ों की इस सफरा तफरी में कमी है और जहाँ तक लड़कों की बात है मुझे लगता है कि उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मैरिड लाइफ की कि उनको सबको लेकर चलना होता है अपने घर वालों को भी और अपनी बीवी को भी तो आ, मुझे लगता है कि लड़के को अपनी आगे पीछे आंखें खुली रखनी होती हैं और जहाँ की बात सुनी जाए मुझे लगता है वहीं बात को ख़त्म कर देना चाहिए उस बात को जब आप क्लियर करने पर आते हैं ना तो उसमें बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं ओके

बिकॉज आपको भी तो थो थोड़ी देर लगती है ना मुझे समझने हाँ, में मुझसे वो बात करने बिल्कुल, में बिल्कुल बिल्कुल so, कोशिश हमारी होती है कि हम आराम से बात करें शुक्र था, कि आपके पास इतना था कि आप हमें ये दे सकती हैं और फिर मैंने आपसे नई इंफॉर्मेशन निकलवाई या नहीं निकलवाई कौन सी निकलवाई या नहीं निकलवाई नहीं तो मैंने छक्का लग गया या लग गया लग गया लग गया छक्का नहीं थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया और बहुत आराम से आपने टाइम दिया कोई स्ट्रेस नहीं डाला जल्दी करो जल्दी करो और हाँ नहीं आज मेरी शूट नहीं थी और आपके मैं प्रोग्राम्स मैंने जाहिर रात में जाकर मी टाइम होता है ना हाँ। तो मैं सोशल मीडिया देखती हूँ आपका ये प्रोग्राम देखती हूँ बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ और मैंने तकरीबन देखे मैं so तो much. फिर मैंने सोचा कि जब आपने मुझे कहा मैंने कहा नहीं जाना चाहिए। या yeah, नहीं। तो कि so so yeah, so आप और फिर दोबारा भी आपसे तो मैंने ड्रामों पे इतनी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पे बात नहीं की बिकॉज तो आप पहली बार हमारे पास आई थी मैं और बहुत सी बातें थी hmm. फिर क्यामत आ जाए और छोटी सी मोहब्बत आ जाए तो <laughs> फिर हम दोबारा मिलेंगे इनशा और फिर हम देखेंगे जो आप क्यामत मचा रही है ना उसमें क्या क्या मत मचा इस पर हम डिस्कस करेंगे जरूर थैंक यू सो मच एंड आपको अल्लाह ताला और खुशियाँ दे रहमतें दें और आपकी फैमिली के साथ आपको हमेशा हंसी खुशी रखे बहुत शुक्रिया राब यार बड़ा मजा आया फील नहीं हुआ कि मेरा इंटरव्यू हो रहा था मुझसे बुलवाई जा रही थी बातें <laughs> मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वन टू वन बैठ कर एक आम ड्रॉइंग रूम में बातें कर रहे हैं ये है ही गपशप हाँ दिस इज गपशप गपशप बिल्कुल थैंक यू